अग्रवाल एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो धर्म की शक्ति के बल पर शांति का काम कर रहे हैं। 1983 में दिल्ली में उनका जन्म हुआ और वह दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़े। उसके बाद उन्होंने जामिया मिलिया से मीडिया स्टडीज़ की पढ़ाई की। वह कम उम्र में कुरान में गहरी दिलचस्पी रखने लगे, लेकिन उसके संकीर्ण व्याख्याओं से वह परेशान थे। कुरान के गहन व स्वतंत्र अध्ययन के बाद बसित यह ज्ञान युवाओं के साथ बांटने लगे। 2017 में उन्होंने ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमैनिटी नामक एक सामाजिक समूह की स्थापना की। इसके ज़रिए से वह ऐसी प्रक्रियाएं सिखाते हैं जिनके बल पर युवाओं को कथित दुश्मन को दोस्त बनाने की शक्ति मिलती है। बसित पूरे भारत में मुस्लिम यूथ के लिए कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। 2017 में बसित को अशोका फेलो के रूप में सम्मानित किया गया। नमस्कार बसित जी, वेलकम टू अहिंसा कॉन्वर्सेशंस। तो बचपन से आपकी सबसे पहली यादाश्त क्या होगी, अहिंसा के अनुभव या उसके असूल के बारे में? थैंक यू रजनी जी, मुझे इस पे इनवाइट करने के लिए आपकी कॉन्वर्सेशंस पे। और अगर आप पूछ रहे हैं कि मेरी सबसे पहली मेमोरी क्या है अहिंसा को लेके, नॉन वायलेंस को लेके, तो मुझे बचपन में याद आता है कि हमारी कॉलोनी में कुत्ते होते थे, तो लोग डराते थे कुत्तों से कि ये काट लेगा, ये हमला कर देगा, इंजेक्शन लगेंगे। तो एक ये होता था कि कुत्ते आए तो उन्हें पत्थर मार के भगा दो, या डंडा लेके चलो आए तो उसको डंडा मार दो। बट एक डर रहता था और एक ये ख्याल रहता था कि आएगा तो पत्थर उठा के मारना है। बट फिर कहीं से, क्योंकि बच्चे थे, मतलब हमें तो दुनिया इंट्रोड्यूस करी जाती है बच्चों को, तो किसी ने बोला कि ये कुत्ते जो हैं, अगर तुम इनको बजाइए पत्थर मारने के या डंडा लेके चलने के, अगर तुम इनको कभी कुछ खाने को दे दो, जैसे दूध डाल दो किसी कटोरी में या किसी में, तो फिर ये तुम्हारे ना दोस्त हो जाएंगे, फिर ये तुम्हें जो है मारेंगे नहीं, काटेंगे नहीं तुम्हें। तो ये ख्याल अच्छा लगा कि अच्छा, मतलब ये भी हमारे जो है जिनसे हमें डर लगता है, पर ये भी इनसे भी दोस्ती हो सकती है, ये सिर्फ वॉयलेंट नहीं है। अगर इनसे बिहेवियर हम अपना चेंज करें बिहेवियर, तो जो हमसे वॉयलेंस कर रहे हैं वो हमारे दोस्त हो सकते हैं। तो ये थॉट जो था ये अच्छा लगा, और बच्चे थोड़े क्यूरियस होते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं चीज़ों को, तो एक्सपेरिमेंट करके देखा और रिजल्ट यही हुआ कि बहुत ही एग्रेसिव कुत्ता था। फाइनली ये होने लगा कि मैं कहीं पे भी जाता था तो वो दुम हिलाते हिलाते पीछे पीछे आता था मेरे। तो जिनसे डर लगता था फाइनली, या जिसको मैं समझता था कि ये मेरा दुश्मन है या ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा, फाइनली वो जो है कह लीजिए दोस्त बन गया मेरा। तो एक ये एक्सपीरियंस, मैं इसको आई थिंक ये मेरा पहला नॉन वायलेंस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने का एक्सपीरियंस था। फिर बड़े होकर एक नौजवान के रूप में आपने हमारे समय की, हमारे समाज की जो हिंसा और अहिंसा, वायलेंस और नॉन वायलेंस का जो द्वंद्व चल रहा है, उसको किस प्रकार से देखा और समझा और पहचाना, और उसमें आपको क्या महसूस हुआ? देखिए, अगर कोई बच्चा जब ग्रोइंग अप एयर्स में होता है और अच्छा उसे कोई स्पिरिचुअल टीचर नहीं मिलता, अच्छा स्पिरिचुअल टीचर अगर नहीं मिलता है जो बहुत खुद क्लियर हो इन सब इश्यूज के ऊपर, तो उसको क्या मिलता है? उसको मिलती है बॉलीवुड फिल्म्स, जिसमें तो विलेन को तो जी जब तक पीटोगे नहीं या मारोगे नहीं या पहाड़ से वो गिर नहीं जाएगा या उसे गोली नहीं लग जाएगी जब तक, तब तक तो मूवी मतलब खत्म ही नहीं होगी ना। तो एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, फाइनली सोसाइटी का, हमारी सोशलाइजेशन जो होती है, वो तो हमें वॉयलेंस सिखाती है। तो फाइनली कहीं ना कहीं एक अनकॉन्शियस में बैठने लगता है कि वॉयलेंस जो है वो सोल्यूशन है और नॉन वॉयलेंस से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि वॉयलेंस को एक क्या बोलते हैं, एक हीरो के सेंस में, मतलब कि ये हीरो हैं जो वॉयलेंट हो रहे हैं या जो वॉयलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हीरोज हैं।
तो किसी तरीके से जस्टिफाई करना वायलेंस को, तो इस तरीके की सोशलाइजेशन के बाद लोगों को यही लगता है कि वायलेंस से ही जो है काम बनता है, नॉन वायलेंस से कुछ नहीं होता। पर देखिए, आदमी भले, बच्चा जो है अपने ग्रोइंग अप एयर्स में भले ये चीजों को सीखे या ये उसको अपने ऊपर ये लेयर्स चढ़ाने लगे ऐसे लॉजिक्स की, पर नॉन वायलेंस हमेशा बहुत डिस्टर्बिंग होता है हमें। क्यों? क्योंकि हमारा जो नेचुरल सेल्फ है, जो रियल सेल्फ है, वो नॉन वायलेंट है, वो वायलेंट नहीं है, इसलिए वो वायलेंस से जो है बड़ा डिस्टर्ब फील करता है। और अगर पूरी दुनिया, अगर हम सोचें अगर वायलेंट होने लगे तो दुनिया ही नहीं चलेगी, और क्योंकि दुनिया चल रही है, ये प्रूफ है इस बात का कि यू नो मेजॉरिटी जो लोग हैं हर कम्युनिटी के वो नॉन वायलेंट हैं। तो वायलेंस जो है हमारे नेचुरल सेल्फ के अगेंस्ट चलता है, और जब आप वायलेंस के बारे में सोचते हो तो कोई भी ये सोचेगा कि ये सब लोग वायलेंस क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके पड़ोस में, आपके नेबरहुड में, हर जगह वायलेंस क्यों नहीं है, जबकि एक तरफ से लॉजिक आ रहा है कि वायलेंस ही तुम्हारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। पर जब ये जो ग्रोइंग अप ईयर्स थे मेरे, मतलब एक मैच्योरिटी इंसान की चेंज होती है किताबें पढ़ के, सोच के, समझ के, चीजों को समझने की कोशिश करके, तो जो है एक वायलेंस और नॉन वायलेंस के बीच में ये बातें समझ में आई। कुछ अच्छे लोग भी मिले जिन्होंने इस पे बताया, बात करी, तो ये समझ में आने लगा कि वायलेंस जो है या हिंसा जो है वो लव का एब्सेंस है, और नॉन वायलेंस जो है या अहिंसा जो है वो तब हासिल कर पाते हैं जब मोहब्बत मिल जाती है, जब लव इज फाउंड, व्हेन लव इज फाउंड अहिंसा इज अचीव्ड। तो मुझे जो ये एक दोनों का आमना सामना जो था, इनका जो कंपैरिजन था, ये जक्स्टापोजिशन जो थी इन दोनों की, तो उसमें नजर आया कि हिंसा इज समथिंग, वायलेंस इज समथिंग जिसमें यू नो आप नफरत करने को तैयार हो अपने दुश्मन से, और आप ख्वाब देखते हो कि आपका दुश्मन जो है एक दिन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अहिंसा ये समझ में आई कि अहिंसा वो चीज है या नॉन वायलेंस वो चीज है जिसमें आप अपने दुश्मन से भी मोहब्बत करने को तैयार हो और ख्वाब देखते हो कि मेरा जो दुश्मन है किसी दिन मेरा अच्छा दोस्त बन जाएगा। तो ये अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस पे, जैसे मैंने कुत्ते का अपना एक्सपीरियंस बताया बचपन का, ये पूरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे जो सोचा और समझी। जब एक मैच्योरिटी आई तो नजर आने लगा कि वायलेंस ये है और नॉन वायलेंस ये है। तो ग्रोइंग अप इयर्स में ये तो क्लियर हो गया, बट अब भी चॉइस ये थी कि इधर जाएं या उधर जाएं। तो आपने क्या तय किया? देखिए, जो चॉइस है कि आप कौन सी साइड चुनते हैं, ये आसान चॉइस नहीं है, क्योंकि आपका नेचुरल सेल्फ आपको एक तरफ धकेल रहा होता है और कुछ लोग आपको पट्टी पढ़ा रहे होते हैं या आपके दिमाग में कुछ बातें डाल रहे होते हैं या दुश्मनी बिठा रहे होते हैं या आपको इनसिक्योर फील करा रहे होते हैं किसी दूसरे लोगों से, क्योंकि अगर इनसिक्योर ना फील कराएंगे तो वायलेंस कैसे होगा। तो ये चॉइस जो है ना, भले लॉजिक से, जिस तरीके के एक यंग माइंड को लॉजिक या पट्टी पढ़ाई जाती है, तो यंग माइंड जो है बड़ी जल्दी शेप एक पर्टिकुलर शेप लेने को तैयार होता है। बट मेरे सामने हमेशा ये था कि जहां से मेरी स्कूलिंग हुई DPSR के पुरम, जो मेरा नेबरहुड है, कि मेरे स्कूल में भी और मेरे नेबरहुड में भी मेरे दोस्त हमेशा दूसरी कम्युनिटी के, बहुत सारे दोस्त हमेशा दूसरी कम्युनिटी के रहे, जैसे हिंदूज रहे, क्रिश्चियंस रहे, मुस्लिम भी थे ऑफकोर्स, बट बहुत सारे दोस्त आपके लिए मतलब लड़ने मरने को तैयार हैं, आप उनके लिए, वो दूसरी कम्युनिटी के लोग थे। तो सवाल ये, बात ये समझ में नहीं आती थी कि अगर दूसरी कम्युनिटी के लोग जो हैं हमारे दुश्मन हैं, तो ये लोग भी तो दूसरी कम्युनिटी के हैं जो मेरे दोस्त हैं, तो ये ना ऐड नहीं हो पाती थी ये बात। तो ये चॉइस बड़ी मुश्किल थी कि क्या करो। फिर आदमी पता है क्या कहने लगता है, आदमी ये कहने लगता है कि ये ऐसे नहीं है पर दूसरे ऐसे हैं, मतलब जिनको आप जानते नहीं हो उनके लिए कह सकते हो आप कि वो ऐसे होंगे, बट ये जो मेरे दोस्त हैं ये ऐसे नहीं है। जैसे मुझे भी कई बार लोग मिलते हैं कि दूसरी कम्युनिटी को कहते हैं यार बासित तुम ऐसे नहीं हो, और जो तुम्हारी कम्युनिटी के दूसरे लोग हैं ना वो जरूर ऐसे हैं। मैं कहा आप जानते हो उन्हें? तो मतलब यही चीज होती है कि मेरे दिल में भी ये बैठा कि ये जो मेरे दोस्त हैं दूसरी कम्युनिटी के, ये तो ऐसे नहीं है, पर जो दूसरे लोग हैं जिनको एक्चुअली मैं जानता नहीं था वो ऐसे होंगे। तो फिर दिमाग में ये थॉट आने लगता है।
बट मैं ये बोलूंगा कि ये जो एक एक डिबेट, इंटरनल डिबेट, एक कॉन्ट्रडिक्शन, एक दिमाग में कह लीजिए एक तूफान, कि क्या रियलिटी क्या है, इन सब चीजों के पीछे सच क्या है, तो या मैं क्या चॉइस लूं, मैं किस तरफ मुड़ूं, ये चॉइस करने मैं एक्चुअली अपने आप से चॉइस नहीं कर पाया, और ये चॉइस करने में मुझे जो है मेरी फेथ ने मुझे हेल्प किया, और मैंने फिर जो है नॉन वायलेंस का और दोस्ती का, मतलब एक नेचर तो था ही, एक्सपीरियंस तो थे ही, बट जो कुछ लोग बातें कर रहे थे आपको नफरत की तरफ, दुश्मनी की तरफ धकेलने के लिए, उनके अगेंस्ट जो है मेरा पास्ट एक्सपीरियंस और मेरे फेथ ने मुझे हेल्प किया कि मैं क्या चॉइस चूज करता हूं। वो कैसे हुआ? देखिए एक पॉइंट आया जब मैं कॉलेज में था, मैंने जामिया से सोशल वर्क किया ग्रेजुएशन में BSW, और फिर मैंने मास कम्युनिकेशन किया था डेवलपमेंट कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर से। तो जब मैं स्कूल से कॉलेज में आया था तो मेरा इंटरेस्ट जो है ना एकदम रिलीजन की तरफ बढ़ा। उस टाइम दंगे हुए थे 2002 में, और तो ये चीजें ना बहुत बातचीत में रहती थी, कान में पड़ती थी ये बातें। 9/11 हुआ था उससे कुछ टाइम पहले, उसके बाद तो रिलीजन बहुत ही फोकस में आ गया था। तो आदमी जानना चाहता था कि ये सब क्या है, मैं भी जानना चाहता था। तो कई लोग मिलते थे, वो रिलीजन के बारे में आपको मोटिवेट करते थे, रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है वर्ल्ड समझने के लिए कहते थे। बट मुझे कुछ लोग मिले जो कि कहते थे कि इस्लाम जो है उसको फॉलो करो, बट हम बताएंगे कि क्या है एग्जैक्टली, और तुम खुद रिसर्च मत करना, खुद मत पढ़ना, और हम बताएंगे। तो मैं खुद क्यों नहीं पढ़ सकता? ऑफकोर्स उसका एक दायरा है, एक एक बाउंड्री है, उसको रिस्पेक्ट करते हुए कि ओके मैं पढ़ूंगा और आप बताना मैंने सही समझा या नहीं समझा। मतलब व्हाई नॉट मेक इट अ लर्निंग एक्सपीरियंस रादर देन कि जी ऊपर से बस डिक्टेट हो रहा है और आप फॉलो कर रहे हो आंख बंद करके। मतलब आंख बंद करके तो फॉलो नहीं कर सकता था मैं, तो मैंने कहा मैं पढ़ूंगा और मैं आपसे शेयर करूंगा, एंड देन यू नो यू गाइड मी, आप गाइड करिए। बट दे लाइक नहीं 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 तुम मत पढ़ना, मतलब अगर मैं पढ़ के कुछ लाता हूँ रिलीजन में से, कुरान में से, तो आप उस पर कमेंट करिए। बहरहाल तो मैंने खुद, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बन गया था रिलीजन में, कि मैं देखना चाहता था कि क्या चीज है रिलीजन, तो जो है मैंने जब खुद पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें नजर आई रिलीजन में। कि फॉर एग्जांपल जो इनिशियली किसी को भी नजर आ सकती हैं, अगर जैसे मैं इस्लाम पढ़ रहा था तो फॉर एग्जांपल ऐसी बातें थी कि पैदा हुई बच्ची को ना मारो, गरीब का पसीना सूखने से पहले उसे उसका वेज दे दो, उसकी जो मजदूरी है वो दे दो, गरीबों को अगर कर्जा दो तो उसमें इंटरेस्ट ना लो, अगर दरिया के किनारे भी वजू कर रहे हो तो पानी वेस्ट ना करो, और मतलब पॉजिटिव बातें भी उसमें बहुत नजर आ रही थी जो कि आपको मोड़ती थी कि नहीं कुछ पॉजिटिव भी है रिलीजन में। कुछ कुछ ऐसे भी आता था नजर के जी सब्र करो, मतलब बराबरी का बदला ले सकते हो पर सब्र बेहतर है, तो मतलब इस तरह की चीजें भी नजर आ रही थी। पर एक कहते हैं ना कि एक पॉइंट जो कि आपको कंप्लीटली झंझोड़ देता है अंदर से, अब तक जो मैंने बातें सुन रहा था या खुद देखने में आ रही थी नजर में, वो ऐसी नहीं थी, जो कि मुझे एक कंप्लीट नॉन वायलेंस जो है उसमें कि मैं अपनी लाइफ का जो फलसफा है उसको मैं नॉन वायलेंस बनाऊं, ऐसी कोई बात क्लियर कट नहीं आ रही थी। मतलब अच्छी बातें थी, बट एक पॉइंट आया कुरान में जिसमें चैप्टर 5:28 में आता है कि एक एक सेंटेंस है जो कहता है कि अगर तू अपना हाथ उठाएगा मुझे मारने के लिए तो मैं अपना हाथ नहीं उठाऊंगा तुझे मारने के लिए, मैं अपने रब से डरता हूं। और ये जो थे, मैं डिटेल में नहीं जा रहा स्टोरी के, ये एक्चुअली सेल्फ डिफेंस में भी नहीं लड़े, इनके मर्डरर ने इनको मर्डर किया, ये स्टोरी है पूरी कुरान में, और ये बोल के कि तू मुझे मार ले पर मैं तुझे नहीं मारूंगा, उन्होंने अपनी जान दे दी। इस पॉइंट पे जब ये आया तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि, मतलब मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि कुरान में ऐसी स्टोरी हो सकती है, क्योंकि कोई इसकी बात ही नहीं कर रहा था। मतलब ये वर्ड्स मैंने फर्स्ट टाइम खुद पढ़ा था, कहीं से मैंने ये वर्ड सुना भी नहीं था कि ऐसा कोई कुरान में ऐसा भी सेंटेंस लिखा है। तो मैं इतना हिल गया था इस सेंटेंस पे कि मैंने
अलग अलग ट्रांसलेशन देखने लगा, मैं अरबिक चेक करने लगा, मैं स्कॉलर्स के पास गया कि मैंने ये पढ़ा, ये लिखा, ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा नहीं ये है कुरान में। तो मैं अंदर से पूरा हिल गया था इस बात पे कि ये कैसे हो सकता है। और फिर सवाल ये आया कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या रीजन क्या था, लॉजिक क्या था। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रीजन हो सकता है, पर दिल में से एक आवाज आई, उसने बोला कहीं इनका रीजन मोहब्बत तो नहीं था, कहीं इनका रीजन लव तो नहीं था, कहीं अपने मर्डरर तक से लव तो नहीं करते थे। और जब मैंने उस नजरिए से उस स्टोरी को देखा तो वो स्टोरी खुलती चली गई, वो अपने आप एक्सप्लेन होती चली गई। तो ये एक पॉइंट था जिसने मुझे कंप्लीटली झंझोड़ दिया था, और कंप्लीट नॉन वायलेंस के, यहां तक कि अपने मर्डरर से मोहब्बत करने का आइडिया कि अगर कोई आपको कत्ल भी कर रहा है, किल भी कर रहा है, उससे भी आप मोहब्बत लेके मर जाओ उसके लिए, वो आइडिया जो है मेरे दिल में जो है इस स्टोरी के जरिए एंटर किया। एंड आई वाज सो फैसिनेटेड, मतलब मोहब्बत इतना, इतनी स्ट्रॉन्ग एक इमोशन था इस स्टोरी को समझते हुए मेरे दिल में कि हाउ कुड समबडी यू नो लव इवन हिज मर्डरर। और वो कैरेक्टर मुझे इतने प्यारे लगने लगे, इतने खूबसूरत लगने लगे कि मुझे उनसे मोहब्बत हो गई। हिज नेम इज हाबिल, मैंने अपने छोटे बेटे का नाम भी हाबिल ही रखा है। तो मुझे उन कैरेक्टर से जो है इतनी मोहब्बत हो गई कि आई वाज लाइक हिज आइडियोलॉजी इज माय आइडियोलॉजी, तो मैं भी इसी पाथ पे चलूंगा। इस स्टोरी ने जो है मुझे इस चॉइस के यार ये भी एक जिंदगी है, ये भी एक जिंदगी है। कौन से साल की बात होगी, ये कब का वाक्य होगा? ये मेरी लाइफ में आया जब मैं 12th से जस्ट पास आउट हुआ था और कॉलेज मेरा जस्ट बिगिन हुआ था, 2002 समझ लिए, 2002-2003। और मैं रिसर्च कर रहा था रिलीजन के ऊपर जी। तो फिर उसके बाद बताइए व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप, हाउ डिड दिस बिकम योर होल लाइफ, बिकॉज ये काफी पुरानी बात है। तो आफ्टर दैट वाज देयर सम कोई ऐसा इन्फ्लेक्शन पॉइंट था कुछ, जहां आपकी पूरी जिंदगी जो है इस काम के प्रति जो है आपकी जिंदगी ने मोड़ ले लिया, वो क्या था? देखिए, एक तो मुझे जब मैंने और रिसर्च किया, मतलब एक स्टोरी पे आप जो है कंप्लीट रिलीजन का बेस नहीं बना सकते किसी भी एक स्टोरी को, या स्पिरिचुअलिटी का बेस, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें थी। मैं थोड़ा सा उस पर भी क्लियर करूँ, क्योंकि कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि जी वॉर भी तो है इस्लाम में, जंगे भी तो लड़ी है प्रॉफिट्स ने, तो मैं थोड़ा सा पहले अपना और स्टैंड ना क्लियर कर दूं। देखिए, इसके बाद ये हुआ, जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो मुझे ये हुआ कि क्या यही थॉट, यही अंडरस्टैंडिंग, यही आइडिया क्या दूसरी स्टोरीज में भी, क्या कुरान में जगह जगह है या नहीं, क्योंकि एक स्टोरी को आप बेस बना के आप चल नहीं सकते। तो मेरे सामने एक और स्टोरी आई, फिरौन एक कैरेक्टर है कुरान में जो कि बहुत ही, मतलब सबसे नेगेटिव ह्यूमन बीइंग है हिस्ट्री में अकॉर्डिंग टू कुरान। फिरौन, वो पैदा हुए बच्चों को उसने 6 बार मारा था, कत्ल किया था। बट उस जैसे शख्स के लिए भी कुरान में आया, चैप्टर 20 वर्स 44 में आता है कि फिरौन से जाओ और नरमी से पेश आओ, क्या पता वो बदल जाए, क्या पता वो डर जाए। तो एक ये थॉट के जो वर्स्ट कैरेक्टर भी जो है, जो बहुत ज्यादा वॉयलेंट है, जिसने वॉयलेंस की भी, बुराइयों की हदें पार कर रखी हैं, उससे भी नरमी से पेश आओ और उम्मीद रखो, होप ना जाए कि वो भी बदल सकता है। मतलब ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि एज मुस्लिम्स वी बिलीव कि हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, वी आर चिल्ड्रन ऑफ वन मदर एंड फादर। तो ये बात कि फिरौन भी जो है वो तुम्हारी फैमिली का मेंबर है, भले बुरा हो गया है, पर उससे भी जेंटली पेश आओ और उसको चेंज करने की कोशिश करो, होप रखो, ये ना होना कि ये कभी चेंज नहीं होगा, ये कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। इसके बाद मुझे जो है इसी आइडियाज पे मुझे बातें मिलती चली गई। जैसे एक जगह आया कि जैसे मैंने कहा कि हिंसा क्या है, कि आप एंगर को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो उसका अपोजिट क्या, अहिंसा क्या हुआ, आप एंगर को जो है रिजेक्ट करते हो और फॉरगिवनेस को पकड़ते हो। तो मुझे यही मिला कुरान में, सूरह 3:134 में आता है कि जो गुस्सा पी जाते हैं और माफ कर देते हैं, खुदा उनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। तो मुझे एक के बाद एक, एंड मुझे पता है मन में क्या हो रहा था
कि ये बातें मुझे पता क्यों नहीं है, ये बातें मुझ तक पहुंची क्यों नहीं, मुझ तक ये क्यों नहीं पहुंचा कि अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो गुस्सा पी जाओ और माफ कर दो, ये कुरान का ये सेंटेंस मुझ तक क्यों नहीं पहुंचा, ये फिरौन से भी नरमी से पेश आओ मुझ तक क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि कई लोग मिले थे जो कह रहे थे कि जो कहते थे कि दुश्मन जो है वो फिरौन है और फिरौन है तो उससे लड़ना है, उसको मारना है, उसको खत्म करना है, बट ये भी तो रास्ता था कि फिरौन से नरमी से पेश आओ, ये मुझे बुक में मिल रहा था, लोग दुनिया में कुछ और कह रहे थे। फिर मुझे और बातें मिली इसी के सपोर्ट में, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको ड्रॉ कर रहा हूँ कि मतलब इट्स नॉट जस्ट वन स्टोरी लेके मैं खड़ा हो गया कि सूरह 42 वर्स 40 में आता है कुरान में कि बुराई का बदला बुराई से दे सकते हो, पर अगर कोई माफ कर देता है और रिश्ता फिर से बना लेता है कि कुछ हुआ, झगड़ा हुआ, नफरत आई, गुस्सा आया और रिश्ता टूट गया, या उसने आपके साथ गलत किया, इनजस्टिस किया, तो आप इनजस्टिस का बदला इनजस्टिस से दे सकते हो, सेम तरीके से दे सकते हो, पर अगर कोई माफ कर देता है और रिश्ता निभा बना लेता है फिर से तो उसका इनाम अल्लाह के पास है। कुरान में एक और जो है थॉट आई, ये मुझे कई अच्छे लोगों से भी पता चल रही थी और मैं खुद रिसर्च कर रहा था और हर बात जब भी मुझे एक बात ये बातें पता चलती थी मैं कहता था ये बातें मुझे क्यों नहीं पता, ये बातें मुझ जैसे नौजवानों को क्यों नहीं पता, हमें एक ही तरीके की बातें एक ही नजरिए से क्यों बताई जा रही है। तो एक जगह कुरान में आता है, मेरी लाइफ का एक समझिए मेरा प्रिंसिपल भी बन गया एक वो कुरान का वर्स कि वो कहता है सूरह 41 आयत 34 से 36 में आता है, अच्छाई बुराई एक जैसे नहीं है, बुराई का बदला एहसान से दो और तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त बन जाएगा और नहीं होती है खुशनसीबी किसी को हासिल सिवाय सब्र करने वालों को। मेरे दिल में ये आया कि हमें ये बता रहे हो कि दुश्मन 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 ये सब दुश्मन वो दुश्मन, ये क्यों नहीं बता रहे कि दुश्मन दोस्त कैसे बनते हैं, कुरान बता रहा है कि बुराई का बदला एहसान से दोगे तो दुश्मन दोस्त हो जाएगा, ये क्यों नहीं बता रहा है कि आज का दुश्मन कल का मेरा दोस्त हो सकता है। मतलब ये डेफिनेशन लीडर की कि लीडर जो है वो नहीं होता जो बताए दुश्मन कौन, बल्कि लीडर वो होता है जो कि बताए दुश्मन को दोस्त कैसे बनाए, ये कुरान सिखा रहा था, ये क्यों नहीं बताया जा रहा। तो मतलब एक ना एक रेबेलियन सी जागी अंदर मन में, जागने लगी कि ये किस कुछ जो हमें पता है वो हमें क्यों पता है और जो हमें नहीं पता वो हमें क्यों नहीं पता, ये थॉट्स ज़हन में आने लगे। देखिए कुरान में मुझे नजर आया कि कुरान कहता है कि एक जगह आता है कि कई जगह है ये बात कि सूरज चांद बारिश बादल सितारे ये जमीन ये सब जो है हमारे क्रिएटर की जो यूनिवर्स के जिसने रचना करी है ये उसकी साइंस हैं, ये उसकी आयत हैं। तो जब मैंने देखा मतलब इन आयतों पे कुरान में आता है इन पे भी ऑब्जर्व करो, बल्कि ईमान वाला वो है जो कि बैठ के लेट के खड़े होके इन आसमानों और जमीनों के ऊपर सोचता है और कहता है अल्लाह तूने ऐसे ही नहीं बनाया, इसमें कुछ मैसेज है। तो जब मैंने इन मैसेजेस पे भी देखना शुरू किया तो मैंने देखा सूरज जो है मुझ पर भी चमकता है और मेरे दुश्मन पे भी चमकता है, बारिश जैसे अभी भी हो रही जब मैं आपसे कॉल पे हूं, मैं मेडिटेट करता हूं जब बारिश होती है कि बारिश मुझ पर भी हो रही है और अगर कोई मेरा दुश्मन है उस पर भी बारिश हो रही है। तो जो खुदा है जो इस कायनात को बनाने वाला है जो रचना करने वाला है वो हेट को और डिविजन को और दुश्मनी को आइडेंटिफाई नहीं करता, उससे वो उसको सब्सक्राइब नहीं करता, वो डिविजन से परे है। और यही कॉन्सेप्ट मुझे मिला रब्बुल आलमीन के, कुरान में आता है कि खुदा जो है वो रब्बुल आलमीन है, वो आलमीन, आलमीन मीन्स हर किसी का, चाहे बिलीवर हो या अनबिलीवर हो, चाहे काला हो चाहे गोरा हो, चाहे हिंदुस्तानी हो चाहे अफ्रीकी हो, सबका जो है मालिक जो है वो सबका एक है और वो इन डिविजन्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता। वो बारिश मुझ पे भी देगा, मेरे दुश्मन पे भी देगा, सूरज मुझ पे भी चमकेगा, दुश्मन पे भी चमकेगा। मुझे नजर आया कुरान में, मतलब बता रहा हूँ कन्विक्शन कहाँ से आई जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ कि एक के बाद एक मुझे जो है ये चीजें नजर आने लगी। कुरान में आता है कि नफरत हसद ये जो चीजें हैं ये अंधेरा है। सूरह फलक एक चैप्टर है उसमें रोशनी को ना मोहब्बत के साथ रखा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। तो जो रोशनी है, मैं इसके ट्रांसलेशन वगैरह में नहीं जा रहा, जो देखना चाहते हैं देख सकते हैं कि रोशनी जो है इन दो सेंटेंसेस में वो रहम के साथ है, लव केयर एंड मर्सी, और अंधेरा जो है आगे के वर्सेस में अंधेरा जो है वो नफरत और हसद के साथ है, नफरत और जेलेसी के साथ है। तो लाइट और अंधेरे का जो सिंबोलिज्म है कुरान में वो ये है कि एक और जगह आता है कुरान में चैप्टर 36 में आता है कि अंधेरा अपने आप में कुछ नहीं है, वो रोशनी का ना होना है, ये कुरान बताता है। तो जब आदमी को नजर आ रहा है कि रोशनी मोहब्बत है और अंधेरा हसद है नफरत है, तो आप क्या चॉइस चूज करोगे? अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो, आप रिलीजन के पाथ पे हो,
तो आपकी ना चॉइसेस के ओके जो दो मेरी जो चॉइसेस थी कि मैं ये लूं कि दुश्मन को जो है उसके लिए डिस्ट्रक्शन चाहना है और उससे नफरत करना है, या दुश्मन से मोहब्बत करना है और होप करना है कि कल को क्या पता है मेरा दोस्त हो जाए। तो इधर रोशनी थी और इधर अंधेरा था। कि पहला जो कुरान स्टार्ट होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि उस खुदा के नाम पे जो लविंग केयरिंग एंड मर्सीफुल है, मोहब्बत का जो खुदा है, तो ये नजर आने लगा कि जालिम बादशाह का नौकर जुल्मी करता है। मतलब हिटलर का जो नौकर है वो ये नहीं कहेगा कि जी मैं लोगों को बचाऊं और मैं लोगों के ऊपर उसकी हेल्प करूं, तो जालिम बादशाह के नौकर को तो जुल्म ही करना पड़ता है। और पहला ही सेंटेंस जो कुरान का आता है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये खुदा वो है जो मोहब्बत का खुदा है, जो रहम का खुदा है। तो जालिम बादशाह के नौकर को जुल्म करना पड़ेगा, तो मोहब्बत की, अगर इफ आई वांट टू बी अ सर्वेंट ऑफ अर रहमान, तो मेरा काम तो मोहब्बत होगा। ऑल दीज थिंग्स आर हेल्पिंग मी यू नो कम टू द डिसीजन। अब ऑफ कोर्स एक बैक ऑफ द माइंड में एक चीज चलती रहती थी कि ये बातें तो सब ठीक हैं, पर जंग का क्या होगा? क्योंकि कुरान में जंग की भी बातें, कोई बोल सकता है कि आप तो उसको देख ही नहीं रहे। कई बार लोग मिले भी, उन्होंने बोला भी आप तो जंग की बात कर ही नहीं रहे, आप तो बस एक ही पहलू देख रहे हो, सिक्का का एक ही पहलू देख रहे हो, दूसरे पहलू में तो जंगें भी हैं कुरान में है वर्सेस वॉर वगैरह से रिलेटेड। मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन था कि एक तरफ ये बातें और एक तरफ वॉर। तो हाउ डू यू यू नो इन दोनों को आप हार्मोनाइज कैसे करोगे? एंड बिना हार्मनी करे यू कैन नॉट मेक अ चॉइस। कि जब तक ये बातें हार्मनी में नहीं आती तब तक यू कैन नॉट गो टू दिस साइड और दैट साइड। देखिए जैसे इस कुछ ऑडियंस होंगे वो नॉन मुस्लिम भी होंगे इस पे आपके अहिंसा कन्वर्सेशन पे, तो मैं बोलता हूँ कि जैसे हिंदुइज्म में जहां पे आता है अहिंसा परमो धर्म, वहां पे महाभारत भी है, वहां पे रामायण भी है। कुछ कुछ वही केस, मैं ये नहीं कह रहा कि सेम प्रिंसिपल्स पे या सेम उस पे, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट समझिए कुछ कुछ वही तस्वीर जो है कि जहां ये बात है, एक तरफ ये सेंटेंस है कि तू मुझे मार ले पर मैं तुझे नहीं मारूंगा और मर गए, ऐसे स्टोरीज इतनी है प्रॉफिट की लाइफ में और कंपेनियंस की लाइफ में उनकी कि पूछिए मत। ये तो एक ही स्टोरी में हाईलाइट करता हूँ, बट ऐसे ही कुछ कुछ यहाँ पे भी है कि ये सेंटेंसेस हैं और वॉर की भी बातें। पर वॉर के जो क्राइटेरियाज हैं, उसके जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मैं यही बोल सकता हूँ कि कुरान में जब वॉर की बात आई तो सबसे पहला अगर मैं बोलूं जो वर्स था वॉर का, वो इस पे था कि वो आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं दे रहा है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के आप कहना चाहते हो कि हमारा, तुम्हारा और मेरा, क्योंकि वहां पे कबीले लड़ते थे आपस में अरेबिया में, तो उनको प्रॉफिट ये कह रहे थे कि अपने अपने उन्होंने गॉड बना रखे थे और कहते थे हमारा गॉड तुम्हारे कबीले को ना हरा देगा, तुम्हारे कबीले को जलील करेगा, और वो कहता हमारा गॉड तुम्हारे। तो प्रॉफिट इस सोसाइटी में आया तो कहा था कि नहीं, तुम दोनों का खुदा एक है और वो तुम दोनों से ये नहीं चाहता कि तुम एक दूसरे से लड़ो। तो यहां से वन गॉड का जो है, मतलब एक मैसेज ये था प्रॉफिट का। और कुरान में आया वॉर के लिए दूसरी जगह पे कि यू हेट वॉर, मुस्लिम्स को कहा गया कुरान में चैप्टर 2 वर्स 2 में कि आप नफरत करते हो जंग से। क्यों? क्योंकि रिलीजन का प्राइमरी गोल वॉयलेंस नहीं है। इस थॉट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस आइडिया को जो है, जो लोग आपस में लड़े जा रहे थे दो कबीले वाले, वो एक थॉट जो लेके खड़ा हुआ था कि इस पे मत लड़ो इस तरीके से, तेरा खुदा और तेरा खुदा, तुम दोनों का, देखो सूरज तुझ पे भी चमकता है, तुझ पे भी चमकता है, रब्बुल आलमीन, ये कॉन्सेप्ट जो था ये लेके प्रॉफिट खड़े हुए थे कि एक को तुम मानो, एक को एक्सेप्ट करो, लड़ो मत आपस में, एक यूनिटी का फैक्टर बनाना चाहते हो और लोग उसको नहीं करने दे रहे थे। तो वहां पे आया था कि यू हेट वॉर, बट इस आइडिया को एस्टैब्लिश करने के लिए, कोई रोकता है इस आइडिया को एस्टैब्लिश करने के लिए, तो इसको डिफेंड करने के लिए खड़े हो। प्रॉफिट की लाइफ में आया कि वॉर में भी अगर मैं देखूं तो प्रॉफिट किसी को बद्दुआ नहीं दी उन्होंने कभी। कई बार आए कंपेनियंस ने बोला उनके साथियों ने कि बद्दुआ दे दो इनको, उन्होंने बद्दुआ नहीं दी, बल्कि जब वो लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकते थे कम्प्लीटली, जैसे ताइफ का एक वाकया, ही कुड हैव डिस्ट्रॉयड अपने दुश्मनों को जो उनको मार रहे थे, खूनम खून कर दिया था, प्रॉफिट उनको डिस्ट्रॉय कर सकते थे उसी मोमेंट में, बट ही डिड नॉट। जंगे खंदक एक थर्ड बैटल, एक तीन बैटल्स है प्रॉफिट की जो बड़ी बैटल्स हैं, उसमें से एक है खंदक अहज़ाब, उसमें प्रॉफिट ने खंदक खोद दी थी। खंदक मींस ट्रेंच, कि हम लड़ेंगे नहीं, वी रिफ्यूज, और गाना भी गाया था, ये हाईलाइट नहीं करते, बट ही इवन सैंग द सॉन्ग कि हम मना करते हैं जंग से, हम इनकार करते हैं, हमारी हदीसों में है ये बात। व्हाई डिड ही डिग अ ट्रेंच? क्योंकि ही डिड नॉट वांटेड टू फाइट, उनको वॉर करनी पड़ी। मतलब अगर वो लड़ते
फॉर एग्जाम्पल जंग खंदक में तो उनके सारे दुश्मन जो है ना, जो भी इस्लाम के दुश्मन थे और उनके वो उनको खत्म कर सकते थे कम्प्लीटली उस पॉइंट पे, बट ही डग अ ट्रेंच और वो लड़े नहीं. तो वॉर का मुझे कॉन्टेक्स्ट नजर आ रहा था, क्या कॉन्टेक्स्ट है. और कुरान में ये नजर आ रहा था, कुरान में वर्स था यू लव देम बट दे डोंट लव यू. तो ये ट्रेंच खोदना जबकि आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ऐसे मोमेंट जब आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो फिर भी आप डिस्ट्रॉय नहीं करते और खंदक खोद देते हो कि हम इन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये हमसे लड़ने आएंगे बट वी कुड डिस्ट्रॉय देम. तो उन्होंने ट्रेंच खोद दी कि हम लड़ेंगे ही नहीं. तो मुझे ये बातें नजर आने लगी कि यू लव देम बट दे डोंट लव यू, ये कुरान में प्रॉफिट के लिए कहा गया, बिलीवर्स के लिए कहा गया. और अगर मैं एंड इस पे बोलूं कि अच्छा अनबिलीवर्स के ऊपर जंग, कई लोग ये भी करते हैं कि खुद मुस्लिम में कई बार ये थिंकिंग होती है, मतलब नॉन मुस्लिम को मैं क्या बोलूं, खुद मुस्लिम में कई बार थिंकिंग होती है कि जो जंगें थी वो अनबिलीवर से थी, जो भी नॉन बिलीवर है उससे जंग थी. नहीं, चैप्टर 60 वर्स 8 एक चैप्टर है, चैप्टर 60, उसमें 1-6 में ये बोला है कि कभी भी आप नॉन मुस्लिम से दोस्ती मत करना, 1-6 वर्स में कभी भी उनसे दोस्ती ना करना, हाउ कैन यू बी फ्रेंड्स विद देम. बट आगे की जो 3 आयतें उसमें बताया गया, पर उनसे नहीं कहा जा रहा, उन नॉन मुस्लिम से नहीं कहा जा रहा जो तुमसे तुम्हारे रिलीजन को लेके लड़ते नहीं है, जो तुमसे अच्छा बिहेवियर रखते हैं. अगर तुम उनसे अच्छा बिहेवियर करोगे, मोहब्बत से पेश आओगे, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा. तो कई लोग क्या करते हैं ना, हमारी कम्युनिटी में, मेरी कम्युनिटी में भी, वो वर्ड्स 1-6 बता देंगे और 7, 8, और 9 नहीं बताएंगे, कि जिसमें ये है कि सबको नहीं कहा जा रहा है ये. मतलब जो लोग कह रहे हैं तुम्हें एक खुदा को भी नहीं मानने देंगे, उनके बारे में भी कुरान, जैसे मैंने पहले कहा कि बुराई का बदला एहसान से दो और दुश्मन को दोस्त बना लो, कि उनको भी ये नहीं है कि आप उनको परमानेंट एनिमी मानोगे. उनसे अच्छा बिहेवियर करो, उनसे एहसान का रवैया करो और आप देखोगे, गारंटी देता है कुरान कि वो दोस्त बनेगा. मोर ओवर कई बार लोग हिस्ट्री में इतने उलझे रहते हैं, जो लोग वायलेंस में होते हैं, कि 700 साल पहले उसने बादशाह ने ये किया था, 300-200 साल पहले उन्होंने ये किया था, 20 साल पहले हिंदू ने ये किया था. मतलब ये जो होता है ना, पास्ट में रह के भी एक वायलेंस का एक ये चॉइस होती है ना, नॉन वायलेंस या वायलेंस, उसमें एक पास्ट भी एक इंपॉर्टेंट कड़ी बन जाता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है चॉइस का. तो कुरान में मुझे नजर आया चैप्टर 5 वर्स 2 में कि प्रॉफिट की लाइफ में कि एक टाइम आया कि प्रॉफिट वॉज कम्प्लीटली पावरफुल, मतलब वो कम्प्लीट पावर में आ गए थे, पॉजिटिव मैसेज लेके खड़े हुए थे, लोग उन्हें बस ज्वाइन करते चले गए. तो कंप्लीट पावर में आ गया था, एक पॉइंट आया था प्रॉफिट की लाइफ में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में. तो उनके बारे में आया चैप्टर 5 वर्स 2 में कि जब पावर में है तो कुरान कहता है कि ऐसा ना हो कि नफरत, उन लोगों की नफरत जो तुमसे जुल्म करते थे तुम्हारे ऊपर, कि जब तुम कमजोर थे वो तुम्हें मारते थे, ऊँटों से बांध के चीर देते थे, जलती धरती पे बांध देते थे और बड़े बड़े पत्थर लेके कुचल देते थे, ऐसे लोगों की नफरत जो तुम पे जुल्म करते थे, कहीं तुम्हारे एक्शंस को डिक्टेट ना करने लगे. मुत्तकी बनो, मतलब गॉड कॉन्शियस बनो, इसके कॉन्शियस बनो कि तुम्हारा खुदा जो है वो अर रहमान है, मोहब्बत का खुदा है. तो पास्ट की भी जो का जो आर्ग्यूमेंट था कि इन्होंने हमारे साथ ये किया है, तो कुरान इस वर्स में कह रहा था कि आप पास्ट को, पास्ट में अगर उन्होंने जुल्म किया है तो उनकी नफरत जो है आपके दिल में, अगर उन्होंने पास्ट में कुछ किया है, वो आपको एक्शंस को डिक्टेट ना करें, बल्कि याद रखो कि तुम्हारा खुदा, मुत्तकी बनो, मुत्तकी मतलब गॉड कॉन्शियस, याद रखो कि तुम्हारा खुदा जो है वो अर रहमान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तुम्हारा खुदा जो है वो रहम का खुदा है, वो मोहब्बत का खुदा है. तो इन सब बातों को जब देखा गया, मैंने देखा ये बातें, मुझे समझ में एक फुल सर्कल बन गया, कंप्लीट सर्कल, जिसमें कोई डिसहार्मनी नहीं रही मेरे दिल में. तो ठीक है, वॉर है, उसके क्राइटेरियाज हैं, कब है, क्यों है, कैसे है, बट एक जनरल जो है उसमें यही नजर आया कि इस्लाम वायलेंस का दीन नहीं है, इस्लाम जो है वो नॉन वायलेंस का पाथ है. हाँ, कभी लेना पड़ा, उसमें भी तो प्रॉफिट ने जो है क्या चूज किया, और मेरा चॉइस जो था वो एकदम क्लियर हो गया कि दिस इज द पाथ आई एम गोइंग टू टेक. ये कब की बात होगी बसित, बाय व्हाट ईयर वाज दिस क्लियर टू यू, व्हाट ईयर आर वी टॉकिंग अबाउट? देखिए, ये मेरी रिसर्च समझिए 2002-2003 में स्टार्ट हुई, पाथ तो मैंने वहीं पे जब ये स्टोरी आई थी मैं पकड़ लिया था ये पाथ. बट जो एक होता है ना कंप्लीट कन्विक्शन, वो 2007 के करीब, मतलब आई वॉज कंप्लीटली कन्विंस्ड. मेरा ये डिबेट, अंदर का जो डिबेट था ना कि यार ये भी तो है, ये भी, अंदर का डिबेट कंप्लीटली खत्म हो गया था. राइट, ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमैनिटी कब बनाया आपने? देखिए, मैं नौजवानों से अपनी कम्युनिटी के हमेशा इंटरेक्शन करता रहा 2002-2003 से, बट एक पॉइंट आया कि हमारा सर्कल काफी बड़ा होने लगा और लोग, मतलब हमें नीड फील हुई कि हमें थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है. कि ठीक है, अब तक हमने एक इनफॉर्मल तरीके से जो है हम काम करते रहे,
बट बहुत लोगों को, मुझे भी नीड फील होने लगी कि अब ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है. तो 2017 में हमने जो है अपना ये ऑर्गेनाइजेशन, ये नाम सोच के ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमैनिटी, कि हम सब भाई हैं, हम इंसान के, हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, वी आर वन फैमिली, वन रेस, वन ह्यूमन रेस. तो उस नाम पे मैंने जो है ये 2017 में. नौजवानों के साथ जब आप काम करते हैं तो आज के माहौल में अहिंसा के प्रति उनको प्रेरणा दिलवाने में आपको क्या चुनौतियां आती हैं? मतलब मेरा टू पुट इट अनदर वे, क्या आपको ये मिलता है नौजवानों के साथ काम करते हुए, क्या आपको ऐसा अनुभव होता है कि नौजवानों में हिंसा को ज्यादा नेचुरल, कि भाई हिंसा ज्यादा स्वाभाविक है, क्या ऐसा भाव आपको मिलता है नौजवानों में? देखिए, नौजवान जो होते हैं ना, वो बड़े आइडियलिस्टिक होते हैं, यूटोपियन थॉट्स, जैसे यूटोपिया जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, कि बड़ा आइडियल वर्ल्ड इमेजिन करते हैं अपने दिमाग में. और मतलब अच्छी बात है, करना भी चाहिए, बट उनमें मच्योरिटी नहीं होती. जैसे मैं देखता हूँ, मेरे अंदर मैच्योरिटी नहीं थी उस एज में. थॉट्स बड़े यूटोपियन थे, आइडियलिस्टिक थे कि सोसाइटी यूं हो, ऐसी हो, और क्योंकि मच्योरिटी नहीं होती कि इसको हासिल कैसे करें हम इस सोसाइटी को, तो उनको आसान रास्ता क्या नजर आता है, थैंक्स टू देयर सोशलाइजेशन और ये जो हमारा जो कल्चर है मीडिया का और मूवीज का, जिस तरीके के विलन है, उसको खत्म जब तक नहीं करोगे तब तक हैप्पी एंडिंग नहीं होगी. तो उनको वॉयलेंस की तरफ झुकाव ना आसान हो जाता है. मोर ओवर, हमारी सोशलाइजेशन में एक और प्रॉब्लम मुझे नजर आती है कि बचपन से हमें एक बिजनेस मॉडल पे सिखाया जाता है. अहिंसा क्या है, यू डू गुड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग गुड इन रिटर्न, कि आप अच्छा करोगे और रिटर्न में आपको अच्छा मिले ना मिले आप अच्छा करोगे. दैट इज यू नो द पाथ ऑफ अहिंसा. एहसान, इस्लाम में बोलेंगे एहसान, कि बुराई का बदला एहसान से दो. तो ये अगर किसी के माइंड में है कि जी मैं अच्छा करूं और वो मेरे साथ ना करे, अब ये चीज समझाना, ऑफकोर्स ये किसी के लिए, एक नौजवान के लिए बात को समझना ये मुश्किल होता है. अब उसको कैसे समझाओ? तो ये कार्य जो काम है ड्यू टू हमारी सोशलाइजेशन, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है. हमारी सोसाइटी जो हमें सोशलाइज करती है, तो हेट, रिवेंज, ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे पर ज्यादा तारी होती है हमारे दिल के ऊपर. और नॉन वायलेंस का केस बिल्ड करना, या मोहब्बत का केस, मुझे नॉन वायलेंस टर्म अच्छा नहीं लगता, मुझे मोहब्बत ज्यादा अच्छा टर्म लगता है, कि लव का केस बिल्ड करना, क्योंकि लव होगा तो ही अहिंसा होगी. अगर लव नहीं है, हेट है, तो अहिंसा हो ही नहीं सकती. तो लव का केस बिल्ड करना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है. बट जब मैंने स्टार्ट किया था 2003, 4, 5, 6, 7 कह लीजिए, ये केस ना बड़ा मुश्किल होता था काम जो है. बट वजह क्या थी, क्योंकि हमारी एजुकेशन ऐसी नहीं हुई कि हमें एजुकेशन मिले ऑन द पाथ ऑफ लव, ऑन द वेज ऑफ लव हमें एजुकेट किया जाए. तो हमें वो फॉर्मूले नहीं पता होते, हमें वो इक्वेशंस नहीं पता होती जिनको लगा के हम काम कर सकते हैं. आपको डिस्कवर करनी पड़ती है. और इन 17 साल जो मैंने काम किया, 16-17 साल अब हो गए, इनमें मैं इक्वेशंस और फॉर्मूलाज और ये डिस्कवर ही करता चला गया. और आसान काम जो है वो आसान होने लगा. पहले तो बहुत ही मुश्किल था. तो अब मामला ये हो गया है कि आपको वक्त चाहिए. अगर कोई भी आपको टाइम देता है, कोई भी मेरे साथ वक्त गुजारता है, तो उन इक्वेशंस को, उन फॉर्मूलाज को यूज करके, जो कि मैंने कुरान में ही डिस्कवर करे और अपने एक्सपीरियंसेस में डिस्कवर करे और इस कायनात में, इस यूनिवर्स को देख के जो मैंने ऑब्जर्व करे, तो उनको यूज करके, क्योंकि हमारा जो नेचर है और यूनिवर्स का जो नेचर है, जो ओरिजिनल है, वो हार्मनी में है. तो वो इक्वेशंस, वो फॉर्मूलेज लगाना कि वापस हार्मनी में आ जाए. तो काम आसान होता चला गया. अब इतना मुश्किल मुझे नहीं लगता, पहले बहुत मुश्किल लगता था. मोरओवर ये बात भी समझ में आई कि ये जो चीज है, जो पाथ ऑफ लव है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि चलिए अहिंसा भी हम कह देते हैं, क्योंकि अहिंसा फिर वही, विदाउट लव नो अहिंसा, विद हेट ओनली हिंसा. तो ये जो मिशन था, मतलब लोगों को बस ये नहीं कहना है कि नॉन वायलेंस या मोहब्बत आपका आपको करनी चाहिए, बल्कि आपको बताना पड़ेगा कि मोहब्बत आपका मिशन है. जब ये मिशन आता है, मैंने अपना जो यंग बच्चों का जो ग्रुप है उसका नाम हनी बीज रखा है, हनी बीज प्रोजेक्ट. हनी बीज कुरान में आता है कि वो शहद की मक्खियों की एक मिसाल है, कि वो शिफा देती है, हीलिंग देती है ह्यूमैनिटी को, सारे इंसानों को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सारे इंसानों को वो हीलिंग देती है. तो एक मिशन बनाना कि यू आर अ हनी बी,
आपका मिशन है ये जो नफरतें, ये जो डिविजन्स फैले हैं हम इंसानों के बीच में, उसको हील करना और नफरतों को, दुश्मनी को खत्म करना। जब ये मिशन का एहसास आता है यंग लोगों में, तो वो ज्यादा मोटिवेट हो पाते हैं इस नॉन वायलेंस के पाथ को चूज करने में। बसंत जी, ये जो आप नौजवानों के साथ काम करते हैं, इसमें तौर तरीके क्या अपनाते हैं? मैं जानती हूँ कि आप वर्कशॉप्स करते हैं, लेकिन उन वर्कशॉप्स में क्या होता है जिसके तहत नौजवानों को आप ये अपना संदेश दे पाते हैं कि कैसे जिसको वो दुश्मन मानते हैं, कैसे वो दोस्त बन सकता है? देखिए, मैं फ्रॉम विद इन द फेथ ट्रेडिशन काम करता हूँ। मैं इस्लाम के जरिए ही, कुरान के जरिए ही वर्क करता हूँ। तो जो मेरी वर्कशॉप्स होती हैं, उसमें मैं स्टोरीज का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे एक आध स्टोरी मैंने बताई, फिरौन की बताई, हाबिल अलैहिस्सलाम की बताई, प्रॉफिट की मैंने कुछ चीजें पॉइंट करी। तो मैं स्टोरीज के जरिए वर्क करता हूँ, मैं लॉजिक और इसके जरिए वर्क नहीं करता, मैं स्टोरीज के जरिए जाता हूँ। स्टोरीज ना बहुत परफेक्ट टूल है एक दिल को सही शेप देने का, कि एक दिल ऐसे पॉइंट पे लाए कि समझ जाए दिल के चॉइसेस क्या है, कब वॉयलेंस हो सकता है, कब वॉयलेंस नहीं होना चाहिए। प्राइमरी जो है वो नॉन वॉयलेंस है, कि प्रॉफिट ने भी कब करा, तो करा वॉयलेंस तो कब करा, किस पॉइंट पे करा। तो मैं इन्हीं स्टोरीज का ही यूज करता हूँ, कुरान का ही यूज करता हूँ, प्रॉफिट की लाइफ का ही यूज करता हूँ, और उनके अंदर एक होप जगाता हूँ कि तुम जिसे दुश्मन समझ रहे हो वो कल तुम्हारा दोस्त हो सकता है। देखिए, अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन से भी जोड़ूं इस बात को, तो देखिए नॉन वायलेंस कह लीजिए बड़ा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हमें माफ करना जो है मुश्किल लगता है, तो इन स्टोरीज के जरिए माफ करने को ही आसान बनाता हूँ मैं। हमें नॉन वायलेंस अपनाना इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि हम होप नहीं रख पाते, हम ये होप नहीं देख पाते कि दुश्मन दोस्त हो सकता है, और इन स्टोरीज के जरिए मैं यही होप जगाता हूँ कि नहीं, अगर कोई दुश्मन बन सकता है तो कोई दोस्त भी बन सकता है। तो मेरा तरीका जो है इस तरीके से होता है कि मैं कुरान की हिस्टोरी, इस्लाम के जरिए ही लोगों को जो है एजुकेट करता हूँ। तो ये वर्कशॉप जो होती है वो कितने दिनों की होती है? देखिए, अलग अलग हमारे मॉड्यूल्स हैं। मैं कहता हूँ कि 3 दिन का तो हो कम से कम मॉड्यूल जो है एक, अदरवाइज सेशंस और टॉक्स, और मतलब टॉक तो फिर घंटे का भी हो सकता है, 1 घंटा 2 घंटा, बट अगर हम बोले वर्कशॉप एक प्रॉपर, तो मैं मेरे हिसाब से 3 दिन चाहिए कम से कम। बट मैं 2-2 हफ्ते की भी करता हूँ, कि एक छोटा ग्रुप 2 हफ्ते के लिए ले गया, या एक छोटा ग्रुप 10 दिन के लिए ले गया, या 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए ले गया, मतलब मैं ऐसे छोटे भी करता हूँ, बट मिनिमम 3 दिन मेरे हिसाब से होने चाहिए। बाकी टॉक वगैरह तो 1 घंटा 2 घंटा जो भी है जी। और ये देश भर में आप कर रहे हैं कि केवल दिल्ली में होते हैं? देखिए, ये मैं जहां पे भी मुझे मौका मिलता है, जहां पे भी इंसान है सुनने के लिए जो तैयार हैं, कुरान को जानने के लिए जो तैयार हैं, मैं हर उस जगह करता हूँ। कि जो भी कुरान को और डीपली जानना चाहता है, समझना चाहता है, उससे कनेक्शन बना, मैं हर उस जगह करता हूँ। सिर्फ दिल्ली में नहीं, मुझे यूपी में मौका मिलता है, यूपी करता हूँ, हिमाचल, जगह जगह जहाँ पे भी मौका मिलता है, राजस्थान, हरियाणा, जहाँ पे भी मौका मिलता है, मैं मौके को गवाता नहीं। हिंदुस्तान के बाहर भी आपने कभी ये वर्कशॉप किए हैं? देखिए, इंडिया के बाहर थोड़ा बहुत मेरा रहा है इंटरेक्शन, मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो जुड़ गए, मतलब लोगों के जरिए, नेटवर्क के जरिए, जो इंडिया के बाहर रहते हैं, US, कनाडा, एस्टोनिया, ब्राजील, अलग अलग जगह से, गल्फ कंट्रीज से भी हैं पर इंडियन ओरिजिन वाले, तो ऐसे लोग हैं, बट हम वो ऑनलाइन ही ज्यादा कर पाते हैं उनके साथ वर्क, ऑनलाइन या व्हाट्सएप कॉलिंग या जूम कॉलिंग, उसके ऊपर ही हम वर्क कर पाते। तो हाँ, वर्क है इंडिया के बाहर भी। तो अगर हम नौजवानों को एक व्यापक रूप में देखें, किसी भी कौम से जुड़े हुए ना, मतलब नौजवान एक जनरल सेंस में, तो इन क्लोजिंग आप उनको क्या एडवाइस देंगे? क्योंकि मैं देखती हूँ कि बहुत सारे नौजवान जो हैं वो अहिंसा के प्रति क्यूरियस हैं, उनको अहिंसा के प्रति कुछ एक लगाव महसूस होता है, लेकिन जैसे आप ही ने अभी इतनी गहराई से बताया, उनको लगता है नहीं नहीं ये बड़ी मुश्किल है। तो क्योंकि बहुत सारे लाखों, क्या मिलियंस ऑफ नौजवान आपसे पर्सनली शायद नहीं मिल पाएंगे, तो उनको आप क्या राय देंगे? नौजवान अपने रोज की जिंदगी में क्या कर सकते हैं जो आप मानते हैं कि सरल है और आसानी से संभव है?
देखिए, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप छोटी सिंपल बातें रखिए। जैसे ये है, मैं कई बार कहते हैं हमें आप एक घंटे का टॉक दे देते हो, हम 5 मिनट नहीं बोल पाते किसी से अगर हम मिलते हैं। मैं कहता हूँ सिंपल चीजें रखो। ये सूरज का कितना सिंपल एग्जाम्पल है कि देखो सूरज मुझ पर भी चमकता है, मेरे दुश्मन पे भी। ये एक सेंटेंस है ना, बारिश मुझ पर भी हो रही है, मेरे दुश्मन पे भी। तो हमारा ईश्वर कौन होगा, हमारा खुदा कौन होगा, हमारा गॉड अल्लाह कौन होगा हमारा? तो इतना तो बोल सकते हो या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि हमारा जो बनाने वाला है, हमारा जो क्रिएटर है, वो रहम का खुदा है। तो जालिम बादशाह का नौकर जुल्म करेगा और रहम वाले का रहम करेगा, टायर पंचर बनाने वाले का नौकर टायर पंचर ही लगाएगा। तो मैं तो रहम के खुदा का बंदा हूं, तो मुझे क्या करना है? इतनी सिंपल सिंपल बातें तो तुम कर सकते हो। तो स्टार्ट विथ सिंपल, भले अगर आप एक घंटे नहीं बोल सकते तो बहुत सारी सिंपल चीजें हैं जो आप कर सकते हो। आप जो है लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, माने ना माने, पर आप जो हो अपना वर्क इस तरीके से जो है आप जारी रख सकते हो। देखिए, कई बार ये लगता है, मेरे स्टूडेंट्स भी आते हैं कहते हैं कि कई बार होता है कि जब हम अगर नॉन वायलेंस की बात करते हैं या मोहब्बत की बात करते हैं, मतलब वी डोंट यूज द वर्ड नॉन वायलेंस मेरे सेशन में, मैं नॉन वायलेंस वर्ड यूज नहीं करता, मैं मोहब्बत का वर्ड यूज करता हूँ, लव। तो लव या एहसान, अगेन दे आर सेम थिंग्स। तो कहते हैं कि अगर हम मोहब्बत की बात करते हैं तो लोग हमें समझते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं, हम बेवकूफ़ हैं, जैसे हमने ना कोई अपनी मेंटल एबिलिटी हमने खो दी है अगर हम मोहब्बत मोहब्बत की बात करते हैं। तो मैं यही बोलता हूँ कि मोटिवेट करने के लिए कि दुनिया अगर ये सोचती है कि तुमने जो है एक मेंटल एबिलिटी खो दी है तुम्हारी कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो, मोहब्बत की बातें कर रहे हो, नफरत की नहीं कर रहे, तो ये जानो कि तुमने मेंटल एबिलिटी नहीं खोई है, तुमने एक एबिलिटी पाली है मोहब्बत करने की। You found an ability, not lost an ability. You found an ability to love. तो तुम जो हो इस ख्याल में मत आओ कि दुनिया क्या सोची, अगर तुम्हें पागल कहती है तो कहने दो, तुम्हें तो पता है ना कि तुम कहाँ खड़े हो। तो कई बार ये भी होता है कि लोगों को ये डर लगता है कि अगर हम कंप्लीट नॉन वायलेंस को अगर हम चुनते हैं या मोहब्बत को हम चुनते हैं तो जो है हम क्या होगा फिर अगर नॉन वायलेंस को चुनते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि तुम इस पे ज्यादा फिक्र करो कि अगर तुम नॉन वायलेंस को नहीं चुनते, मतलब मोहब्बत को अगर नहीं चुनते, तो तुम क्या खो देते हो? तुम अपना ट्रू सेल्फ खो देते हो जिसके साथ तुम पैदा हुए हो, जिसके साथ तुम पैदा हुए हो। ना तुम नफरत के साथ पैदा हुए, ना तुम हसद के साथ पैदा हुए, तुम किसी से दुश्मनी लेके पैदा नहीं हुए। तो तुम्हारे लिए कंसर्न जो होनी चाहिए ये होना चाहिए, अगर मैंने मोहब्बत को नहीं चुना तो मेरा जो ट्रू सेल्फ था जिसके साथ मैं पैदा हुआ हूँ, जो मेरा पाक स्टेट है, प्योर स्टेट है, मैं उस स्टेट को खो देता हूँ। तो कीप इट सिंपल, और अगर इस तरीके के ख्याल आते हैं तो थिंक लाइक दिस। मैं यही एडवाइस जो है यंग लोगों को दूंगा। जैसे ये वाली बात मैंने कही, कोई बोलेगा तो आपने थोड़े इस्लामिक बैकग्राउंड से बोले। देखिए, सूरज का जो एग्जाम्पल है ना, बारिश का जो एग्जाम्पल है, ये किसी एक की विरासत नहीं है, है ना। अगर आप दूसरी कम्युनिटी से भी हो तो आप ये बात कर सकते हो कि सूरज देखो मुझ में चमक रहा है, मेरे दुश्मन में, तू सूरज से क्यों नहीं सीख लेता, तू बारिश की तरह क्यों नहीं हो जाता। तो ये जो कुछ बातें हैं ना, ये आप कोई भी यंगस्टर किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, ये बातें कर सकता है, और अपने अपने कल्चर से फिर आप ढूंढिए रीजंस। मैं यही बोलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।